हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने आपका बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और हमेशा मैं कह रहा हूँ, जितना सवाल मैं लगवाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, बस उतना प्रिपेयर करो, ठीक है। सवाल लग जाएंगे तुमसे, क्योंकि मैं खुद उतनी मेहनत कर दे रहा हूँ कि एक भी वैरायटी छूटती नहीं है। हर वैरायटी के सवाल मैं करवाता हूँ, हर वैरायटी के कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ, उतना ही प्रिपेयर करो, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेहनत कहाँ से करोगे यार, तुमको तो तीन तीन सब्जेक्ट मैनेज करना रहता है। तो जो सब्जेक्ट में टीचर खुद मेहनत कर रहा है, उस सब्जेक्ट में तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं भैया मेरे, फ़ायदा उठा लो, समझ में आया। तो चलो आज पढ़ेंगे हम लोग का क्या पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, ओके। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक। देखो जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में क्यों मैंने डिवाइड किया, क्योंकि पार्ट ए में टोटली हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट ए जो होता है ना, वो टोटली कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होता है, और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट बी जो होता है वो टोटली आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड होता है, वो टोटली उनमें आयनिक कंपाउंडों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए पार्ट बी होने का मतलब ये है कि पार्ट ए में कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और पार्ट बी में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, वहां पढ़ेंगे फजांस रूल, परसेंटेज क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों टॉपिक है वहां रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट में देखते हैं भैया मेरे सवाल कैसे आते हैं। पहले तो नॉर्मली एक पूछ देता है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी दिखाते चलता हूँ, इस टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट उन्हीं का होता है जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, ठीक। ऐसा हो गया, या फिर यहाँ पे जहाँ भी पोलैरिटी पूछे ना, इन टर्म्स ऑफ पोलर कैरेक्टर या पोलैरिटी या परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो तभी आएगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा या फिर उसका डाइपोल मोमेंट हो, ठीक। और उसके बाद क्या आता है दूसरा, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट का आता है। तो डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन दो तरह के स्ट्रक्चर में आता है, एक तो बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर का देता है और एक नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या है, ऐसे बेंजीन के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बने रहेंगे, इनका डाइपोल मोमेंट पूछता है, इस टाइप के बेंजीन के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनी रहती हैं, ठीक है। यहाँ भी और देख लो तुम, ये वाले देखो, विच ऑफ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। बेंजीन में कुछ अलग अलग ग्रुप्स लगा देगा और पूछेगा बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। और ऐसे सवाल आते भी हैं, देखो सीबीएसई पीएमटी 2011 में आया, और भी सवाल आए हुए हैं, इस समय मेरे पास उसका कलेक्शन नहीं है, लेकिन और भी ऐसे बेंजोनॉइड फॉर्म में सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं इसमें बताऊंगा। और नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर का क्या होता, मतलब होता है किस टाइप का डाइपोल मोमेंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर का होता है, तो बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करने देता है डाइपोल मोमेंट का, नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में ऐसे कंपेयर करने देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्ट वेरायटी क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में कैलकुलेशन इस तरह का, देखो द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इतना डिवाइड दे दिया है, इफ HCl बॉन्ड इज डिस्टेंस, देखिए बॉन्ड डिस्टेंस दे दे रहा है, और व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, मतलब इस टाइप की कैलकुलेशन आता है डाइपोल मोमेंट पे, ओके। तो डाइपोल मोमेंट के मेनली यही वैरायटी के सवाल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी करते हैं। डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेटेड होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा, वहाँ पर इससे रिलेट कर दूंगा। इस लेक्चर में डाइपोल मोमेंट ही खाली पढ़ो, ठीक है। तो चलो माहौल बनाते हैं, माहौल बनाते हैं कि कैसे तुमको समझाना है। पहली बात ध्यान रखो, फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है तुमको, कि मान लो ए, और पहले तो डाइपोल मोमेंट का जो मीनिंग है उसको समझा दूँ, इसके नाम में ही इसकी मीनिंग है। मान लो ए और बी क्या नाम, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बी से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, ए की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट करेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। तो देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, मूवमेंट से मतलब इधर उधर जाने से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या डेवलप हो जा रहा है,
पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है अगल बगल वाले एटम पे, ठीक है। और अगल बगल वाले एटम पे अगर दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उन्हें हम डाइपोल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या जनरेट हो जा रहा है, डाइपोल जनरेट हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम देते हैं हम डीएम, डाइपोल मूवमेंट। बात समझ में आई। और इस डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चार्ज, चार्ज मतलब कौन सा चार्ज, किसी एक पोल पे जो चार्ज जनरेट हुआ उसका उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अगर इस देखो ये अंडरस्टूड है कि अगर इस पे माइनस वन का चार्ज डेवलप होगा तो इस पे प्लस वन का चार्ज डेवलप होगा, इधर माइनस टू का चार्ज डेवलप होगा तो इधर प्लस टू का चार्ज डेवलप होगा। तो हमें साइन से मतलब नहीं है, जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड लेना है इन टू ये ए और बी जो एटम है उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी लेना है। तो ये होता है डाइपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है, डी जो होता है आपका वो क्या होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर बॉन्ड लेंथ बोलो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, ठीक है, या तो बॉन्ड लेंथ बोल लो या तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल लो। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल्स इनटू चार्ज डेवलप ऑन एनी वन पोल, किसी एक पोल पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना। तो ये होता है आपका डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, इस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये मीनिंग समझ लो डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है, पहली बात याद रखो। दूसरी बात क्या याद रखना है तुमको, दूसरी बात क्या याद रखना है, ध्यान से दो, ध्यान से सुनो। इसे मान लो कोई एटम ए है, ठीक, इससे एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है और इससे एक बॉन्ड पेयर जुड़ा हुआ है, ठीक। हमने कहा कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ए से क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तो हमें देखो, तो लोन पेयर जिस भी एटम से जुड़ा रहता है उससे डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होती है, ठीक है, लोन पेयर का। तो पहली बात यहाँ से क्या निकल गया, तो द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर मूवमेंट, ठीक है, लोन पेयर मूवमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम से हमेशा अवे रहेगी इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। और बॉन्ड पेयर मूवमेंट की डायरेक्शन किधर रहती है, बॉन्ड पेयर मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर होती है, जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उधर ही तो शिफ्ट करेगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उधर ही डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर मूवमेंट, ठीक है, बॉन्ड पेयर मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दो बातें याद रखो, बहुत यूज़ करेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है, ये वेक्टर को ही देख के, वेक्टर के डायरेक्शन को देख देख के ही हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखो, बाकी सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो लोन पेयर मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होगी, और बॉन्ड पेयर मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट करता है बॉन्ड मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। बात समझ में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसको ध्यान से याद रखो। अब एक और बात है, लास्ट बात, उसके बाद सवाल करवाते हैं। तीसरी बात क्या याद रखनी है तुमको, तीसरी बात ये याद रखनी है कि अगर मान लो दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लो दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ए ए, ठीक, मैग्नीट्यूड है सेम, ओके, और इनके बीच ये जो थीटा एंगल है, थीटा, ये थीटा कितना है, मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री थीटा है, तो म्यू की वैल्यू जानते हो कितने आता है, √3a आता है, ठीक है, √3a आता है। ये कहाँ से निकालेंगे हम, म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, इसी से निकाल लेना, ठीक है, इसको लगाना नहीं है, कभी नहीं लगाना है, ये वैल्यू याद करना है तुमको। म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, ठीक है, μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा होता है, ठीक है। ये म्यू रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अगर एक से ज़्यादा वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
तो म्यूरेज रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया ए और ए है, ठीक, और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा अगर 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री थीटा यहाँ पुट करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, √3 ए आएगी, ठीक है। और थीटा वाई तुम्हारा 120 डिग्री हो गया तो कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू ए आता है, ठीक है। वही थीटा तुम्हारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो यही तीनों एंगल की जरूरत पड़ती है इसलिए तीन एंगल बता रहा हूँ। तो म्यू रिजल्टेंट हमारा क्या निकल के आता है, 0 डिग्री निकल के आता है, ठीक है। म्यू रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। ये तीन बातें ध्यान में रखो, पहली बात, ठीक, ये तीन बातों ध्यान में रखो। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो यहाँ थीटा 60 है तो म्यू रिजल्टेंट √3 है, थीटा 120 हो गया, थीटा बढ़ा तो म्यू रिजल्टेंट घट गया, ए हो गया, और थीटा 180 हो गया तो म्यू रिजल्टेंट और कम हो गया। हम जानते भी हैं यार कॉस थीटा क्या होता है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, तो ये ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट भी कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि म्यू जो होता है, म्यू रिजल्टेंट कह लो या म्यू कह लो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या है, थीटा के, थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही बातें ध्यान में रखना है कि म्यू जो होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, वो थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है। चलो अब सवाल करते हैं, ये तीन बातें याद रखो। अब सवाल करते हैं, सवाल कैसे करते हैं, जैसो देखो मान लो पहला सवाल हमने ले लिया, ये पहला बेंजोनाइट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, नॉन बेंजोनाइट के बाद में देखेंगे। मान लो एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे के स्पेन में मेटा पे जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के स्पेन में पैरा पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन जो होता है वो मोर क्या नाम है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, और इनके बीच एंगल कितना मिल रहा है, ये एंगल कितना मिल रहा है, ये एंगल 60 डिग्री मिल रहा है। तो थीटा यहाँ कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा और ये एंगल कितना मिल जाएगा आपको, ये एंगल थीटा यहाँ पे कितना मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपनी ओर खींचा, ये अपनी ओर खोला खींचा, इक्वल एंड अपोजिट है, एंगल कितना आ गया तुम्हारा, 180 डिग्री, ठीक। अभी हमने बोला डाइपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर सेट करना है तो थीटा जितना कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर ऐसा इसका नाम दे देता ऑर्थोमेटा पैराजाइलिन, नहीं ऑर्थोमेटा नाम के फॉर्म में भी देता है, कभी स्ट्रक्चर बना के हमेशा नहीं देगा, ऑर्थोमेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी लिख सकता है इसको, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्थोमेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का आपको डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर सेट करने दे देगा, ठीक है। तो ऐसे होगा ऑर्डर, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का। उसी तरह अगर आपका ऐसा दे दिया जाए कि इस पे CH3, इधर CH3, ठीक है, इधर CH3, दोनों CH3 एक दूसरे पे मेटा पे, ठीक है, इधर CH3 और इधर CH3, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इनमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन है तो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो डायरेक्शन इधर आएगा, डायरेक्शन इधर आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एंगल कितना मिल रहा है आपका, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर ऐसे मिलाएंगे तो थीटा यहाँ पे 120 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मिलाओगे ऐसे करके और ऐसे करके तो इक्वल एंड अपोजिट मिल रहा है, थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट वैसे वैसे कम होगा, ठीक। एक जनरल रूल याद रखो कि अगर बेंजीन रिंग से, ठीक है, बेंजीन रिंग से सेम नेचर के ग्रुप लगे हुए हैं, सेम नेचर के मतलब दोनों या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, या दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ठीक है। बेंजीन रिंग से अगर तुम्हारा दो सेम नेचर के ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये दोनों क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर आता है ना, डाइपोल मोमेंट का, वो ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का, इन जनरल याद रखो। सेम नेचर के ग्रुप बोल रहा हूँ, दोनों सेम नेचर के होना चाहिए, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्थोमेटा पैरा का ऑर्डर आ जाता है। अगर ऐसा केस हो गया, मान लो ऐसा केस हो गया कि हाँ, इसका नाम याद रखना, ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दे सकता है, इसको जाइलिन कहते हैं,
ज़ाइलिन कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग से दो सी एस थ्री जुड़ा है तो उसे ज़ाइलिन कहते हैं। एक और एक फेमस एग्जांपल है इसी का, मैं करवा दे रहा हूँ। फेमस एग्जांपल है ये, देखो जैसे OH है फिनॉल, ये CH3, फिनॉल से एक CH3 लग जाता है तो इसे क्रिसॉल कहते हैं, ठीक है, क्रिसॉल कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो क्रिसॉल, ये मेटा क्रिसॉल, ठीक है, मेट्रा क्रिसॉल ये होता है, और ये पैरा क्रिसॉल होता है, ठीक, ये पैरा क्रिसॉल होता है, ठीक। तो ऑर्थो में ये दोनों भी सेम नेचर है, क्योंकि OH जो होता है वो रेजोनेंस से देता है और CH3 जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट से देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो दोनों क्या है, सेम नेचर के, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सेम नेचर के। तो मैंने क्या कहा, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का। अच्छा, ये आप पहचानते हैं कि नहीं कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा? चलो मैं बता देता हूँ, ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी ध्यान रखो, एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ जिससे तुम्हारा काम चल जाए। जैसे जितने भी हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना विड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो डोनेट करते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट याद रखो, तीसरा पॉइंट याद रखो कि अगर बेंजीन रिंग से, ठीक है, बेंजीन रिंग से कोई एटम ए जुड़ा हुआ है, ठीक, ए जुड़ा हुआ है, और ए का पड़ोसी बी है, ठीक है, और बी जो है वो ए से क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, ध्यान देना। बेंजीन रिंग से कोई एटम ए जुड़ा हुआ है और ए का पड़ोसी कोई बी है, और बी जो है ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये ओवरऑल ग्रुप जो होगा ना, ओवरऑल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। कैसे, जैसे कि मान लो ये हो गया NO2, NO2 में देखो बेंजीन रिंग से अगर NO2 जुड़ा हुआ है, कहाँ बता दूँ, यहीं ले लो, ये बेंजीन रिंग मान लो इससे क्या जुड़ा हुआ है, NO2, ठीक है, NO2 जो है, मैंने क्या बोला, बेंजीन रिंग से जो एटम जुड़ा हुआ है उसका पड़ोसी अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा विड्रॉ करेगा। तो देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। उसी तरह अगर बेंजीन रिंग से मान लो कोई एटम ए जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका पड़ोसी बी है, और लेकिन ए जो है वो बी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक, तो ए हमेशा ये ओवरऑल ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा भाई, ठीक है। एक सिंपल तरीका होता है कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा पहचानने का, ठीक है। जैसे कि मान लो बेंजीन रिंग से ऐसा क्या जुड़ गया, फिनॉल जुड़ गया, वो ये देखो ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये ओवरऑल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये चार पॉइंट याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी डिटेल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा हर चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से। इतना चार पॉइंट से तुम्हारा ये डाइपोल मोमेंट काम चल जाएगा कि जो हैलोजन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन माइनस आई से विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होते हैं, जितने एल्काइल होते हैं वो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अगर कोई ग्रुप तुमको मिल गया जैसे NO2 OH के फॉर्म में तो तुम देखना जो ग्रुप बेंजीन से जो एटम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है अगर उसका पड़ोसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और पड़ोसी अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो OH के केस में पड़ोसी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और CH3 तो हमेशा देता है मैंने, और यहाँ पे इन जनरल ऑर्डर बना दिया कि या तो बेंजीन रिंग से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हों, ठीक है, सेम नेचर के, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, दो सेम नेचर के बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमेशा ऑर्थो का ज़्यादा आएगा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का, क्योंकि एंगल हमें कम मिलता है ऑर्थो के केस में, उसके बाद मेटा के, उसके बाद पैरा के केस में। तो इसको याद रखना, ठीक है, और कॉमन नेम तो जरूर याद रखना, ऑर्थो मेटा, इसको ऑर्थो क्रिसॉल कहते हैं, इसको मेटा क्रिसॉल कहते हैं, क्रिसॉल कहते हैं, इसको पैरा क्रिसॉल कहते हैं, ठीक है। तो आजकल JEE वाला जानते हो ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, इतना इजी नहीं रह गया है, ठीक है, और नीट में भी मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, ऐसे करके नाम के फॉर्म में दे देगा। तो तुम्हें हर तरह से प्रिपेयर रखना है भैया मेरे, अगर कोई टॉपिक पढ़, मैं कहता हूँ 10 टॉपिक आधी अधूरे पढ़ने से अच्छा एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ो, समझे, और उसी तरह तुम लोग 10-10 बुकों के क्वेश्चन लगाते हो, 10 बुक के क्वेश्चन लगाने से अच्छा एक बुक को कंप्लीट लगाओ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, और कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, तुम्हारे बेंजीन रिंग से सेम नेचर के जुड़े थे, अब देखो बेंजीन रिंग से अगर मान लो अपोजिट नेचर के जुड़ जाए तो ग्रुप, जैसे एक मान लो CL जुड़ गया, एक CH3 जुड़ गया, ठीक है, एक CL जुड़ गया, एक CH3 जुड़ गया, सॉरी यहाँ पे मेटा पे जुड़ेगा, CH3 जुड़ गया, यहाँ पे देखो एक CL जुड़ा, इधर CH3 जुड़ा, हाँ। अब देखो
ये क्या करता है, मैंने बोला कि माइनस आई से खींचेगा और ये क्या करेगा प्लस आई से देगा। ठीक, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि ये जो एंगल हम लोग ले रहे हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, ये जो एंगल आ रहा है वे किस बेसिस पे ले रहे हैं। देखो हमेशा एंगल हम जो लेते हैं ना, या तो टर्मिनेटिंग वेक्टर वाला लेते हैं, टर्मिनेटिंग वेक्टर का मतलब क्या है कि दो वेक्टर एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल लेंगे, या फिर दो वेक्टर तुम्हारे किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन सेम होती है वही वाला एंगल लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा भैया मेरे कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर आ रहा है तो ये थीटा हो जाएगा, नहीं। या तो वेक्टर एक दूसरे से दूर जाएं या तो वेक्टर एक दूसरे की ओर आएं, तो जो एंगल बने वो एंगल हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये अगर दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है तो इसको बढ़ाओ भैया मेरे, आगे बढ़ाओ इस वेक्टर को, आगे बढ़ाओ ऐसे। तो ये थीटा ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वेक्टर, वो थीटा लेना है, या फिर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो। ऐसा कभी नहीं कि एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है तो ये थीटा लें, थीटा एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो इसे ही ओरिजिनेटिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनेटिंग वेक्टर कहते हैं, और एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो इसे टर्मिनेटिंग वेक्टर कहते हैं, टर्मिनेटिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो थीटा हमेशा या तो टर्मिनेटिंग वेक्टर वाला लेते हैं या तो ओरिजिनेटिंग वेक्टर वाला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब एक वेक्टर दूर जा रहा है और एक वेक्टर क्या आ रहा है तुम्हारा पास आ रहा है, तो ये थीटा नहीं होगा यहाँ पे, थीटा ये नहीं होगा ये वाला। ठीक है, थीटा क्या होगा, इसको भैया मेरे पीछे बढ़ाओ इसको, पीछे बढ़ाओगे तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, थीटा एंगल बन रहा है कितना तुम्हारा 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है, थीटा 120 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखो एंगल कितना, अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पुल आउट करेगा, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है, तो एक ये एंगल बढ़ाओ, ये बढ़ाओ इसको, बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो एंगल एक्चुअली में ये एंगल होगा ना कि ये वाला एंगल। तो ये थीटा कितना मिल रहा है भैया हमारे, देख के अगल बगल वाला बेंजीन रिंग कार्बन का जो होता है ना थीटा, वो 60 डिग्री का होता है, तो ये थीटा 60 डिग्री मिल रहा है। और यहाँ पे देखो ये पुल कर रहा है और ये दे रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा 0 डिग्री होगा। ओके, ये समझ में आया कि नहीं, हमेशा एंगल जो हम क्या लेंगे, टर्मिनेटिंग वेक्टर वाला, ओरिजिनेटिंग वेक्टर वाला, या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे से दूर जा रहे हो या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पास आ रहे हो। ऐसा कभी नहीं कि एक पास आ रहा है एक दूर आ रहा है, तो यहाँ एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है, तो इसको जो पास आ रहा है उसको दूर बढ़ाओ और देखो एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे भी ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री। मैंने क्या बोला, थीटा जितना कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, तो डाइपोल मोमेंट की ऑर्डर क्या हो जाएगा, पैरा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद ऑर्थो का। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे कि मान लो ये इस तरह का ले लो, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लो, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल ले लो, NO2, ठीक है, इस तरह का ग्रुप ले लो। तो मैंने क्या बोला, अभी तुमको बताया कि कौन से इलेक्ट्रॉन पुल आउट करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो OH तो इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसका पड़ोसी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और NO तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका पड़ोसी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक पास आ रहा है तो एक दूर जा रहा है, तो मैंने क्या कहा, वेक्टर को बढ़ाओ ऐसे, इसको बढ़ाओ पीछे की ओर, इसको बढ़ाओगे, ठीक है, ठीक, इसको बढ़ाओगे, देखो तो ये इधर निकला, ये ओवरऑल एंगल कितना मिल रहा है थीटा, यहाँ पे 120 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल एंगल 120, दोनों दूर जा रहे हैं वही वाला एंगल लेना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको पीछे बढ़ाओ, दोनों या तो वेक्टर निकल रहे हो या दोनों वेक्टर एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थीटा कितना मिल गया भैया मेरे, यहाँ 60 डिग्री मिल गया। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, थीटा कम तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, और तो पैरा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद ऑर्थो का। ठीक है, तो इन जनरल एक ऑर्डर लिखो, इन जनरल अगर बेंजीन रिंग से, ठीक है,
अगर बेंजीन रिंग से दो अपोजिट नेचर के ग्रुप लगे हुए, देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा है तो ये दे रहा है, तो बेंजीन रिंग से अगर दो अपोजिट नेचर के सब्सटिट्यूएंट लगे हुए हैं तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होता है डाइपोल मोमेंट का हमेशा पैरा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद ऑर्थो का, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अगर सेम नेचर के ग्रुप लगे हों, सेम नेचर के ग्रुप या तो दोनों खींचने वाले या तो दोनों देने वाले, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आता है, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का, ठीक है। लेकिन वही अगर अपोजिट नेचर वाले लग जाते हैं दो सब्सटिट्यूएंट, एक खींच रहा है और एक दे रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है कि पैरा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा का, उसके बाद ऑर्थो का। इसका कॉमन नेम लिख के दे सकता है स्ट्रक्चर में, मैं बोला ना कॉमन नेम याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनाल इसका नाम होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनाल इसका नाम, मेटा नाइट्रोफिलान इसका, पैरा नाइट्रोफिलान, ठीक है। इसका नाम क्या लिख के दे सकता है आपको कि ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरो बेंजीन लिख दे सकता है, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, इसका नाम दे सकता है ऑर्थो मेटा पैरा, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा मिथाइल, मिथाइल है ना ऑर्थोमेटा पैरा पे, ऑर्थोमेटा पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन इसका नाम लिख के दे सकता है। तो तुम्हें नाम से ऐसे बेंजीन रिंग पे सब्सटिट्यूएंट को अरेंज करना आना चाहिए। बताओ इसको समझ में आया कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है, ठीक। टर्मिनेटिंग वेक्टर और ओरिजिनेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे देखो एंगल हमने ये क्यों लिया कि दोनों वेक्टर एक दूसरे की ओर दूर जा रहे हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो एंगल यहाँ पे वही लिया हमने, ठीक है, दूर जाने वाला, ठीक है। तो दोनों वेक्टर या तो दूर जाएं या तो एक पॉइंट पे आके मिले, तो वही वाला एंगल लेंगे, एक दूर जाए एक और एक पास आए वो वाला एंगल नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बता, ठीक है, ये हो गया इतना कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कुछ वीआईपी की ओर, कुछ वीआईपी लोगों की चर्चा कर लेते हैं। वीआईपी कौन होते हैं भैया मेरे, जैसे कि क्वेश्चन के फॉर्म में ही ले लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में, कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल म्यू ऑब्जर्वेड इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है, कि म्यू ऑब्जर्वेड जो है म्यू थ्योरेटिकल से ज़्यादा है, ऐसा केस कब आता है। देखो सिंपली यही समझा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्लोरीन जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ये वाला आंसर यहाँ पे है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, फोन से जुड़ा हाइड्रोजन एफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्लोरीन होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है ना तो एंगल जो है वो कम हो जाता है। इस कंपाउंड को मैं बता रहा हूँ, जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड से क्या जुड़ा था आपका, OH जुड़ा था, ठीक है, एच को थोड़ा ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, माहौल बना दे रहा हूँ, और यहाँ क्लोरीन जुड़ा था। तो देखो ऑक्सीजन तो इसे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना तो ये वाला एंगल जो है ना एंगल वो 60 डिग्री से कम हो जाता है। जब भी एंगल कम होगा तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्जर्वेड डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो यहाँ पे देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जर्वेड डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मिल रहा है थ्योरेटिकल ग्रेटर देन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, देखो किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, फोन से जुड़ा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा, वही तुम्हारा क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीन भी अगर बगल में होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, फोन से जुड़ा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी और यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वहाँ पे म्यू थ्योरेटिकल जो होता है तुम्हारा, म्यू ऑब्जर्वेड जो होता है वो म्यू थ्योरेटिकल से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रही है, हाँ। पहला वीआईपी पॉइंट ये याद रखना, ठीक है, तीन वीआईपी पॉइंट बताऊंगा, पहला वीआईपी पॉइंट ये याद रखो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर दूसरा और तीसरा वीआईपी पॉइंट बताता हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं कि बेंजीन रिंग से कोई एक सब्सटिट्यूएंट दे देगा और इसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा, तो बोल रहा है इस वाले ग्रुप का डाइपोल मोमेंट कितना, 1.5 डीवाई है, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग इस ग्रुप का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक। तो देखो इसको कर इस टाइप के सवाल को करते कैसे हैं मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। जैसे देखो दे रहा है कि बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है X, ठीक है, X जुड़ा हुआ है, और इसका डाइपोल मोमेंट डीएम कितना दे रहा है भाई, 1.5 डीवाई दे रहा है, ठीक।
तो पूछ रहा है इस वाले का कितना होगा। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग से ये जो सब्सिट्यूएंट जुड़ा हुआ है इसका डाइपोल मोमेंट इन जनरल ये 1.5 दिया हुआ है। तो हर एक बॉन्ड, हर एक जो ये एक्स है जो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, उसका डाइपोल मोमेंट 1.5 होगा। अब ये तुमको देखना है कि कौन एक दूसरे को क्या हो रहा है, कैंसिल आउट कर जा रहा है। हम जनरल, इन जनरल ये इस 1.5 को ए मान ले रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ए मान ले रहे हैं, तो इसका भी ए होगा। ठीक है, इसका भी ए होगा, इसका भी ये होगा, और इसका भी तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। ठीक, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग अगर होगा ना तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो भी अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होगा ना तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये दोनों ही अपोजिट है। ठीक है, तो मैग्नेट्यूड इक्वल है और अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक, अब ये दोनों को मान लो, इन दोनों को ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो इनके बीच एंगल क्या मिल रहा है, एक कार्बन छोड़ के है तो ये एंगल 120 डिग्री मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। मैंने अभी जस्ट तुम लोग को बताया था कि अगर डाइपोल मोमेंट दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड ए हैं, ठीक है, और उनके बीच एंगल 120 डिग्री है, तो म्यू का रिजल्टेंट कितना आता है, ए आता है। जस्ट अभी पीछे मैंने बताया, ठीक है, कि अगर थीटा 120 डिग्री है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए ही आएगा, और ए हमने क्या माना है, 1.5 डिवाई को मारा है, तो 1.5 डिवाई को मारा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 1.5 होगा। ठीक है, 1.5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, और इन दोनों के बीच एंगल कितना मिल रहा है, 120 डिग्री में मिल रहा है, 120 डिग्री मिल रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1.5 डिवाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को ऐसे करते हैं। अगर मान लो यहीं पर ये एक्स मान लो, यही एक्स मान लो तुम्हारा ऐसा दे दिया जाए, इसी क्वेश्चन को ये वाला कंपाउंड नहीं देके ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, मान लो ऐसा हो गया, इधर एक्स लगा दिया, इधर एक्स लगा दिया, और इधर एक्स लगा दिया। ठीक है, ये वाला कंपाउंड दे दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, 1.5, इन जनरल हम ए मान ले रहे हैं, तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। तो पहले देखो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे हैं, 120 डिग्री एंगल पे हैं, और इनका रिजल्टेंट इस साइड में आएगा इसके। ठीक, इसका रिजल्टेंट ए है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे रिस्पेक्ट में क्या है, 120 डिग्री पे है, तो 120 डिग्री पे हैं, तो इसका ए, इसका ए, तो ओवरऑल म्यू रिजल्टेंट इन दोनों का कितना आएगा, इसका और इसका ए आएगा, और ए आपस में मिल के ऐसे क्या बन जाएंगे, 2a बन जाएगा। ठीक है, तो 2a बन जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको ध्यान में रखना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे रहा है और उसका डाइपोल मोमेंट 1.5 दे रहा है, तो हर एक जो सब्सटीट्यूएंट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड 1.5 होगा, और उसके हिसाब से देखना कौन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, किसके बीच कितना एंगल है, तो आर रिजल्टेंट क्या मिलेगा। हमेशा दो लोग को कंपेयर करना, इसका दो कंपेयर किए तो हमें रिजल्टेंट इनका ऐसे मिलेगा, और ए मिलकर 2a बना लिए। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, अब चल तो वीआईपी पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वीआईपी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला हो गया, सेकंड वीआईपी ध्यान रखो, सेकंड वीआईपी ध्यान रखो कि मान लो बेंजीन रिंग से ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से NO2 जुड़ा हुआ है, और इसके बगल में दो CH3 हो गए। ठीक है, वही अगर ऐसा कंपाउंड हो गया कि यहाँ OH जुड़ा हुआ है और CH3 OH के अब बगल में आ गया, ठीक है, NO2 के नहीं। ठीक, अब पूछ दिया इन दोनों के डाइपोल मोमेंट के बारे में बताओ, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो बात ये तुम लोग को याद है कि नहीं, SIR इफेक्ट, सॉरी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। SIR इफेक्ट कौन सा शो करता था, NO2 शो करता था, NR2 शो करता था, और सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप शो करता था। क्या SIR इफेक्ट था कि इनके ऑर्थो पर कोई बल्की ग्रुप लग जाए, ठीक है, इनके इनके ऑर्थो पर कोई बल्की ग्रुप लग जाता है तो ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, और ये इनका जो होता है रेजोनेंस कनेक्टिविटी रिंग से कट जाती है, और इनका क्या काउंट होता है, प्लस आर काउंट नहीं होता है, प्लस आई काउंट होता है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट काउंट होता है। रेजोनेंस कनेक्टिविटी कट जाती है अगर इनके ऑर्थो पर कोई बल्की ग्रुप लग जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन से बड़ा जो भी एटम होता है वो बल्की ग्रुप कहलाता है। तो NO2 के
बल्कि औरतों पे ये क्या लगा, एक बल्कि ग्रुप लगा, तो इसकी रेजोनेंस, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नो डाउट, लेकिन रेजोनेंस से नहीं खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से खींचेगा। और हम जानते हैं रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है नो डाउट, प्लस आई से खींच रहा है, ठीक। और यहाँ ये वाला OH ग्रुप तो कोई SIR नहीं शो कर सकता, ये प्लस आर से देगा और ये माइनस आई से खींचेगा, सॉरी इनका इंडक्टिव शो होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो माइनस आई से खींचेगा और ये प्लस आर से देगा। तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, इसके वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, नो डाउट दोनों एक दूसरे में एड अप होंगे। लेकिन देखो क्या हो रहा है, ये प्लस आर से दे रहा है, ये माइनस आई से खींच रहा है, यहाँ पे भी SIR नहीं शो करता, तो ये प्लस आर से देगा, तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे NO2 के बगल में कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो ये तुम्हारा रेजोनेंस से खींचेगा, तो रेजोनेंस से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप होगी, चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, अगर चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों के वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, तो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। क्योंकि इनके NO2 SIR इफेक्ट से क्या होता है, तुम्हारा ये रेजोनेंस करना बंद कर देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इनका काउंट होता है, ठीक है, रेजोनेंस नहीं काउंट होता। और हम जानते हैं कि रेजोनेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं भैया, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम इफेक्ट, मतलब कम इफेक्टिव होता है, तो ऐसा मान लेना। अब यही NO2 के जगह पे तुम्हारा NR2 लगा दे तो भी ऑर्डर यही होगा, क्योंकि NR2 का यहाँ पे इस जगह पे NR2 लग गया, तो यहाँ NR2 का क्या काउंट होगा, इंडक्टिव काउंट होगा, और यहाँ पे क्या काउंट होगा, रेजोनेंस काउंट होगा। उसी तरह COOH लगा दिया तो यहाँ पे इंडक्टिव COOH का काउंट होगा, यहाँ रेजोनेंस काउंट होगा, रेजोनेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड अप होके म्यू हमें क्या देंगे, ज़्यादा देंगे, म्यू हमें ज़्यादा देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान में रखना, SIR इफेक्ट लगा के भी पूछ सकता है, समझ में आया, IIT वाला बड़ा चालू होता है, समझ में आया, वो चीज़ों को कनेक्ट करके ही पूछता है। तो पहला VIP पॉइंट, दूसरा VIP पॉइंट, तीसरा VIP आया, ये तो MVIP है, महा VIP, ठीक है, महा VIP, ठीक है, महा VIP। महा VIP क्या है, ध्यान दो, अगर मान लो बेंजीन रिंग से कोई एटम एक्स जुड़ा हुआ, और ये एक्स कौन कौन से हैं, कोई हेलोजन ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, हेलोजन हो गए, और मान लो तुम्हारा कोई अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक, साइनाइड हो गया, और NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है, ऐसे दोनों दो सेम ग्रुप लगे हुए थे, या तो दोनों हेलोजन अपोजिट लगे, पैरा पोजिशन पे, देखो ऐसे बात सुनो, अगर बेंजीन रिंग से दो पैरा पोजिशन पे दो सेम नेचर के ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाले सारे, या तो कोई हेलोजन लगाओ, ठीक है, या तो कोई हेलोजन, या तो कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ, या तो साइनाइड लगाओ, या तो NO2 ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, म्यू रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि NO2 अगर लगा या साइनाइड लगा, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, यहाँ साइनाइड लग गया, इधर साइनाइड लग गया, तो देखो साइनाइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, इक्वल एंड अपोजिट है, तो वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, और मी हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो बेंजीन रिंग से ये वाले ग्रुप लगे हों, चाहे कोई हेलोजन दो लगा हो पैरा पोजीशन पे, चाहे दो एल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगाओ, चाहे साइनाइड लगाओ, चाहे NO2 ग्रुप लगाओ, तो इनका जो मूवमेंट होता है, बॉन्ड मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो लीनियर होती है और अपोजिट होती है, तो म्यू हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। लेकिन एक बात और है, इधर ध्यान रखो कि ये अगर जुड़ गए बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पे, OH ग्रुप जुड़ा, SH ग्रुप जुड़ा, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, एल्काइल कार्बोक्सिलेट C डबल बॉन्ड OR जुड़ गया, और कौन सा OR ग्रुप जुड़ा, और अमीनो ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, ये वाले ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे जुड़ गए, जैसे OH जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, मान लो SH जुड़ जाए पैरा पोजीशन पे, ठीक है, SH पैरा पोजीशन पे जुड़ जाए, तो इनका हमें देखो नेचर सेम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, हमें देखो अपोजिट मिल रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर ये होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन ये जो है हमें क्या दिख रही है, अपोजिट दिख रही है। तो ध्यान में रखो इन ग्रुप के केस में, इन ग्रुप के केस में जो डायरेक्शन होता है हमें अपोज क्या बोलता है, लीनियर डायरेक्शन अपोजिट दिखता है, लेकिन अपोजिट होता नहीं है, ठीक है। ये वाले जो ग्रुप होते हैं अल्कोहल, SH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सारे ग्रुप जो होते हैं, इनके केस में ये जो डायरेक्शन है हमें
इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है, लेकिन अपोजिट होता नहीं है भाई, ठीक है, अपोजिट होता नहीं है। ये जो होता है ये किसी पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे होता है, ये पर्टिकुलर किसी एंगल पे होता है ऐसे करके, और ओवरऑल रिजल्टेड इन लोग का इधर मिलता है, ठीक है। ये वाले जो जो हमें लीनियर ऐसा दिख रहा है ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पर्टिकुलर किसी एंगल पे होता है, पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे होता है, और ओवरऑल रिजल्टेंट हमें म्यू रिजल्टेंट इधर मिलता है, तो ये नॉन जीरो होता है। बात समझ आ रही? क्यों नॉन जीरो होता है? क्योंकि ये सारे जो ग्रुप होते हैं इनका बॉन्ड मूवमेंट जो होता है, बॉन्ड मूवमेंट मूवमेंट बॉन्ड मूवमेंट जो होता है वो नॉन लीनियर बॉन्ड मूवमेंट होता है, नॉन लीनियर होता है। एक लीनियर वाले होते हैं जो जैसे अगर अपोजिट दिखें तो उनके वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, ये लीनियर वाले मूव, इनके बॉन्ड मूवमेंट क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। अगर ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पर जुड़े हुए हैं तो इनके वैक्टर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर जाते हैं, और म्यू जीरो मिल जाता है। लेकिन ये वाले ग्रुप जो होते हैं इनका बॉन्ड मूवमेंट नॉन लीनियर होता है, हमें दिखता है कि ये अपोजिट हैं, लीनियर हैं, लेकिन ये लीनियर होता नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता है, ठीक है। तो ये म्यू रिजल्टेंट इनके केस में जानते हो दिखेगा कि हाँ अपोजिट है, दिखेगा कि अपोजिट है, लेकिन अपोजिट होता नहीं है, ठीक है, अपोजिट होता नहीं, ये पर्टिकुलर एंगल पे होता है, और म्यू रिजल्टेंट ऐसे मिलता है। तो कभी भी बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पे या अपोजिट पोजीशन पे ये वाले ग्रुप लग जाए तो दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, माथा तुरंत ठनकना चाहिए भैया मेरे, क्योंकि इनका जो होता है नॉन लीनियर डाइपोल मोमेंट होता है, और इनका म्यू रिजल्टेंट मिलता है, और इनके वेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ? ये बड़ा वीआईपी पॉइंट था, ठीक है, बड़ा वीआईपी पॉइंट था, और ये आईआईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस में भी ये पूछा जा चुका है और आईआईटी में तो आया ही है, ठीक है, पिछला प्रीवियस ईयर देखना तो पता चल जाएगा। तो ये वाले ग्रुप का क्या बॉन्ड मूवमेंट कैसा है, नॉन लीनियर है, अपोजिट दिखता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है, अपोजिट दिखता है लेकिन होती नहीं है। तो डायरेक्शन इन लोग की कैसी होती है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे होती है, और म्यू रिजल्टेंट हमें ऐसे मिल जाता है, ठीक। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में इतनी बातें ध्यान में रख लो, इतनी बातें ध्यान में रख लो बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर की, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा, नॉन बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर, मतलब इस टाइप का HF का डाइपोल मोमेंट, H2O का डाइपोल मोमेंट, अमोनिया का, NF3 का, तो इन सब के केस में डाइपोल मोमेंट कैसे कंपेयर करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। अगर डाइपोल मोमेंट से कोई डाउट है तो भाई मेरे कमेंट करो, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर, मैं लास्ट में हमेशा व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेजो। इनऑर्गेनिक में कोई भी डाउट हो यार क्वेश्चन भेजो, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक पे भी वर्क कर रहा हूँ तो इनऑर्गेनिक पे पूछ सकते हो, इनऑर्गेनिक कंप्लीट है इसलिए तुम लोग को इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, ओके। फिजिकल पे भी वर्क जारी है, और ऑर्गेनिक पे भी वर्क जारी है, तो उनका क्वेश्चन थोड़ा देर बाद पूछना, मतलब नेक्स्ट सेशन से पूछना, और इनऑर्गेनिक तो पूछ सकते हो, पूरा कंप्लीट है, ओके ओके। तो जितना क्वेश्चन लगवाए हैं उतना प्रिपेयर करो बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर वाला, इन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और समझ में आया कि नहीं आया यार, सिर्फ एक कमेंट दो यार, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो कमेंट मारो और लाइक करके वीडियो चले जाओ यार, ठीक। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में नॉन लीनियर का देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, और डाइपोल मोमेंट की जो कैलकुलेशन है म्यू वाली, क्यू इन टू डी वाली, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दो चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ओके। इतना कंप्लीट कर लो, बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके ओके। जय हिंद।